हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस पर। इसमें हमारा आज का टॉपिक है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधना परक साहित्य का निर्माण किया। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। पहला, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया था, विशेषकर कनक कामिनी को साधना मार्ग की बाधाएँ मानी थी। विभिन्न कर्मकांडों से साधना मार्ग को भी कृत्रिम बनाया था। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। उनके मतानुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। सहज मार्ग के अनुसार प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर करुणा का प्रतीक है, इसलिए नर नारी मिलन प्रज्ञा और करुणा, निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों को अभेदता ही महासुख की स्थिति है। सेकंड, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों परंपराओं और बाह्य आडंबरों पाखंडों का जमकर विरोध किया, इसलिए इन्होंने वेदों पुराणों शास्त्रों की खुलकर निंदा की। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और ब्राह्मण धर्मों के कर्म कांडों पर प्रहार करते हुए सरहया ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वह भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? यदि कहा कि संस्कारों से ब्राह्मणत्व होता है, तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नदी बना देते। यदि आग में ही घी डालने से मुक्ति मिलती तो सबको क्यों नहीं डालने देते? होम करने से मुक्ति मिलती है यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आँखों को कष्ट ज़रूर होता है। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए सरहया कहते हैं, यदि नग्न रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार कुत्तों को भी मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। केश बढ़ाने से यदि मुक्ति हो सके तो मयूर उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं। यदि कंद भोजन से मुक्ति हो तो हाथी घोड़ों को मुक्ति सबसे पहले होनी चाहिए। इस तरह इन सिद्धों ने वेद पुराण और पंडितों की कटु आलोचना की। थर्ड, गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊँचा है। सरहया ने कहा कि गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है, गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसने गुरु देश का अमृतपान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। गुरु उव ऐसी अभिरस धारण पिए जे ही बहु सत्यस्य मरु स्थल ही तिस ही मिरियट ते ही। चौथा, रहस्यात्मक अनुभूति। सिद्धों ने प्रज्ञा और उपाय के मिलनोपरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया। नौका, वीणा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग इन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए किया। रवि, शशि, कमल, कुलीश, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी व्याख्या के लिए हुआ है। डॉक्टर धनवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या कर उसके आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। फिफ्थ, श्रृंगार और शांत रस। सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार और शांत रस का सुंदर प्रयोग है। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार चित्रण मिलता है, अलौकिक आनंद की
प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है। सिक्स, तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। आगे चलकर सिद्धों में स्वैराचार फैल गया, जिनका बुरा असर जनजीवन पर पड़ गया। सेवंथ, छंद प्रयोग। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्चा गीतों में हुई, तथापि इनमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हैं। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है। उनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा और छप्पे का भी प्रयोग पाया जाता है। एट है जनभाषा का प्रयोग। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत और अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा इनकी भाषा को जन समुदाय की भाषा मानते हैं। जनभाषा को अपनाने के बावजूद जहां वह अपनी सहजता साधना को व्याख्या करते हैं, वहीं उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार चीज़ें कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट और अस्पष्ट अर्थ बोध देती हैं। यही मत अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट, साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर ये टॉपिक आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।